अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, या आप क्या ऑब्जर्व कर रही हैं कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो ये चीज़ें जो है करूँगी? जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो पैसे कितने ही हैं। मेरा मुकाबला यहाँ धुरंधर जिनके पास पैसा बहुत है उनसे है, लेकिन पैसे से राजनीति नहीं चलती। हमारे जो बच्चे थे वो हमने बॉटम से उठा करके पिलाए, और वो बच्चे स्टेट में ही नहीं DPS को फाइट करके जब इनका कंपटीशन होता था तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेते थे। चुनाव प्रचार जोरों पर है, और बड़ी बात है कि सभी प्रत्याशी दम भर रहे हैं कि इस बार चुनाव वो जीतेंगे। कांग्रेस BJP दम भर रही है कि इस बार वो विधानसभा में जाएंगे, और तीसरी बार BJP कह रही है चुनाव वो जीतेंगी। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूँ, जाना पहचाना चेहरा है वो, और शिक्षा जगत में उनका अच्छा नाम है, और जब वो शिक्षा जगत में थी अब वो रिटायर हो चुकी हैं, तब उन्होंने अपने जो उनका फील्ड है उसमें नए आयाम जो है स्थापित किया, आज भी उन्हें जो है लोग याद करते हैं। मेरे साथ सरोज बालागुर हैं, आप देख सकते हैं, और जाना पहचाना चेहरा है शहर का, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में, शिक्षा जगत से हटकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, और इस बार इनेलो बसपा के सांझे उम्मीदवार हैं। उम्मीद है इन्हें कि बसपा का जो वोट बैंक है वो इनके खाते में जाएगा। डायरेक्ट इन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि इनके सामने चुनाव लड़ने वाले बड़े धुरंधर हैं, उनके बीच में कैसे ये चुनाव लड़ने जा रही है और क्या वायदे लेके जा रही है। मैडम नमस्कार। नमस्कार, चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके चेहरे की रौनक बता रही है, थकान नहीं है, अभी कुछ होने वाला है नया? ऐसा है, हम तो शिक्षक रहे हैं, वो कभी थकता नहीं है, और आजकल जो फील्ड में उतर रहे हैं एक नए आयाम के साथ, तो मैं राजनीति में मेरा ये कदम है, इसके लिए मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, और सबसे अपील कर रही हूँ कि मैं पहले शिक्षा विभाग में आप मुझे देख चुके, अब आप मुझे राजनीति में देखेंगे, और राजनीति आप ही की बदौलत हो रही है मेरी, क्योंकि मैं शुरू से ही आप सभी से लोगों से समाज से जुड़ी हुई हूँ। इसके लिए मुझे बैलेट पेपर में जो है चौथा नंबर मिला, और इनेलो बसपा की साझी उम्मीदवार जो बनाई गई हूँ, हाथ ही हमारा जो है निशान है, और मैं तो सभी से पहले दर्शकों से ये अपील करूंगी कि नंबर 4 पे जो हाथी का निशान है इनेलो बसपा का गठबंधन का, उस पर बटन दबाएं और मुझे मौका दें अपनी सेवा करने का। मैडम, शिक्षा जगत से, क्योंकि आप शिक्षिका रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं, एकदम आपने ये मूव कैसे किया राजनीति की तरफ, लोग ये जानना चाह रहे हैं। दरअसल शिक्षा इसमें मेरी रुचि थी शुरू से ही, मैं कॉलेज टाइम में भी प्रेसिडेंट रही अपने, जब मैं शिक्षक बनी तो मैं प्रिंसिपल यूनियन थी यहीं पे, और फिर ऑफिसर्स एसोसिएशन की वहाँ रही, प्रधान रही। अब जैसे ही मैं रिटायर हुई, घर से थोड़ा सा अपना हुआ, बच्चे कहते हैं मम्मी आप सोशल वर्क तो करते ही हो, क्यों ना जो है राजनीति से इसमें आया जाए। तो जब मैं जाने लगी फील्ड में तो लोगों को ज़रूरत लगी, मुझे ज़रूरत लगी कि जो मैं बोलती हूँ, कहीं किसी को पता नहीं एडमिशन कैसे होगा, आगे का फील्ड क्या होगा, हमें क्या क्राइटेरिया अपनाना, तो मुझे अच्छा लगा कि जो मैं बोलती हूँ वो फ़ायदे की बात है समाज के लिए, तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आई। परिवार की सहमति थी कि आप राजनीति में जाइए, आपके जो हस्बैंड है वो भी चाह रहे थे कि आप राजनीति जाएं? पूरा घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी नेचर डिफरेंट थी, जबकि मैंने बचपन से ही राजनीति देखी मेरे फादर से, अपने घर से ही, लेकिन बच्चे भी उसी नेचर के हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं आगे आऊं और समाज के लिए कुछ करूं। अच्छा, जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे क्या दिमाग में था भी चुनाव मैंने लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव जो है पैसे वालों का चुनाव है, बड़े लोगों का चुनाव है, आप शिक्षिका रही हैं, मात्र थोड़ी बहुत पेंशन आती होगी आपकी, कैसे आप पार कर पाएंगी इन बड़े उद्योगपतियों के सामने? ऐसा है, अगर पैसे के दम पे ही इलेक्शन लड़ा जाए, जीता जाए, तो टाटा बिरला आज PM होते। मैं तो बॉटम से जुड़ी हूँ शुरू से ही, एज ए शिक्षिका के रूप में, और मैं अपने गांव से ही आज भी वही चीज़ें संस्कार हैं मेरी, और लोगों की ज़रूरतें क्या है ये मैं समझती हूँ। जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो पैसे कितने ही हैं। मेरा मुकाबला यहाँ धुरंधर जिनके पास पैसा बहुत है उनसे है, लेकिन पैसे से राजनीति नहीं चलती। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे स्टूडेंट मुझे पहचानते हैं, मेरा स्टाफ मुझे पहचानता, जिन लोगों के काम हुए वो मुझे जानते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मेरे रिलेशन है, जो मेरे संबंध है, अभी तक जो मैंने काम किया उसको पहचान करके पैसे वाले हारेंगे और हम जीतेंगे। अच्छा, वो परिवार आपके साथ हैं जिनके मतलब दुखी समय में आपने उनकी मदद करी थी, क्योंकि
मॉडल संस्कृति स्कूल जब बना था, लोग याद करते हैं आपको, मतलब एक थी प्रिंसिपल जिसने वाकई जो है आयाम बदले थे, वो माँ बाप वो बच्चे आप तक पहुँच रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि मैडम आप चलो हम आपके साथ हैं। अब मुझे बड़ा फख्र फील होता है इस बात को कहते हुए कि जब मैं प्रिंसिपल थी हमारे बच्चे बिना किसी कोचिंग के IIT में आए, मतलब उसमें MBBS में किसी और कंपटीशन में, तो मुझे रात में फ़ोन आता था प्रेस वालों के, मैडम आपके स्कूल का बच्चा जो है IIT में आ गया। याद होगा कंप्यूटर दिए थे उन बच्चों को, लैपटॉप दे रहे थे, पहलाद सिंह जी थे अपने जो DC हुआ करते, उनको भी सरप्राइज जो है ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये तो सरोज का स्कूल है। मैंने कहा हाँ हम दिन रात बच्चों को तैयार ऐसे ही करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या था कि बच्चों के पास शॉर्टेज रहती है, हमारे पास तो जो फैमिली है हैंड टू माउथ मैक्सिमम वही आते हैं सरकारी स्कूलों में, तो उन बच्चों के पास कई बार फीस की दिक्कत आती, कई बार बुक्स की दिक्कत आती, कई बार उनको कोचिंग की दिक्कत आती, तो हमने अपने स्टाफ वालों के से सहायता से उनको एक्स्ट्रा टाइम देते, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते, बुक्स हमने दे रखी थी, फीस हमने दी और किसी तरह की कोई गाइडेंस थी जितनी वहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग हम करवाते थे अपने स्कूल में कि उनको रास्ता कौन सा चुनना है, किस में वो अच्छे सफल हो सकते, ये करवाने के बाद मुझे बड़ी खुशी होती थी कि आज भी बच्चे जो है आप देख रहे हो जहाँ भी जाएँ मिल जाते। जब आप स्कूल में प्रिंसिपल थे, मेरे को वो दौर याद है कि लोग एक तो सरकारी स्कूलों से दूर हो गए थे, बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका एकमात्र स्कूल ऐसा था लाल बत्ती वाला कि हमने इसी स्कूल में दाखिला लेना है, क्योंकि उस टाइम रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, इंग्लिश स्कूल आपने बना दिया। और कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे पास भी होता था कि यार स्कूल में जाना है, कैसा स्कूल है, तो लोग फख्र महसूस करते थे। आज भी जैसा कह रहे हैं IIT में हैं और भी बच्चे हैं, और अब बच्चे आपको मिलते भी होंगे और आप कहते होंगे, याद करते होंगे, मैडम आपका सिखाया हूँ बच्चा। ऐसा है जो स्कूल है वो एक, मैं उसको एक लैब समझती हूँ, प्रैक्टिकल लैब, और उसका जो लीडर है वो प्रिंसिपल है। तो ये बात नहीं कि मैं इसी स्कूल में ही अच्छा काम किया, आप ऊझा को देख सकते हो जहाँ मैंने 5 साल बिताया एज ए प्रिंसिपल, वहाँ पे मेरी लड़की पूरे स्टेट में बोर्ड में टॉप किया था। जब मॉडल टाउन में थी हमारी लड़की, उसमें मतलब स्टेट में मेरिटोरियस बच्चों में थी, फर्स्ट पोजीशन पे थी साइंस फैकल्टी से। आप मानोगे बड़े प्राउड की बात थी, जब मैं वहाँ प्रिंसिपल थी हमारी लड़की ने जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था NCC कैडेट ने। और जब मैं यह मॉडल संस्कृति स्कूल में आई तो ये स्कूल मतलब किसी भी तरह से इतना वो स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई, बच्चों की संख्या आप देख लो, बच्चों की क्वालिटी आप देख लो, स्टाफ के नेशनल स्टेट मतलब स्टेट अवार्ड मिलना देख लो और उनकी मेहनत देख लो, उसकी बदौलत 4000 संख्या होती थी और रिजल्ट 100% छोड़िए मेरिट में। जब मैं अपने बच्चों को बोर्ड में प्राइज मिल रहे थे ना, तो जो शिक्षा मंत्री थी गीता भुक्कल, वो कहती किसी और को भी तो आने दो, मैं कह रिजल्ट जब हमारा ही फैला है, फर्स्ट हम ही हैं पूरे स्टेट में, तो दूसरा कौन आएगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बच्चों का भविष्य हमने सुधारा। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्राथमिकताएँ क्या हैं अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, या आप क्या ऑब्जर्व कर रही हैं कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो ये चीज़ें जो है करूँगी। सबसे पहले तो मैं बच्चों की बात करूँ, शिक्षा की, BJP ने स्कूल बंद कर दिए, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 25 बच्चों से अगर संख्या कम हुई तो उसको बंद कर दो। गलियों में जाओ तो सड़कें टूटी पड़ी, उनका आज तक कोई विकास के नाम पे वो मतलब कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन कट दी गई मिस मैच करके या एक इनकम का क्राइटेरिया फिक्स करके। तो हमारी जैसी गठबंधन की सरकार आती है हम बुजुर्गों के लिए 7,500 जो है पेंशन भत्ता करेंगे, और जो स्कूल बंद कर दिए वो चालू करवाएंगे। शिक्षकों की भर्ती जो आज के दिन इतनी वैकेंसी है उनको फिल किया जाएगा, आप जानते हो कि 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आज के दिन पड़ी है। तो युवाओं को जो है रोज़गार दी जाएगी, अगर रोज़गार नहीं मिलती तो 7,500 रुपये में 21,000 रुपये जो उनको बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाएगा। अब बहनों की बात लगा लो, उनके पर्स खाली हो जाते रसोई मेंटेन करने में, तो उसके लिए मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा, साथ में 1100 रुपये नमक मिर्च के मिलेंगे, और बैठने के लिए पुरुषों के बराबर उनके लिए चौपाड़ जिसको कहो अब सत्संग भवन उनके लिए विशेष रूप से बनाए जाएंगे। गरीबों के लिए ताऊ देवीलाल की योजना शुरू की जाएगी जिसमें प्लाट तो देंगे ही, रजिस्ट्री भी होगी और उसके तहत जो है मकान भी बनाए जाएंगे।
ओपीएस स्कीम जो है एम्प्लॉय की, जो कि बंद कर दी थी कांग्रेस ने, आज वो वादा कर रही है कि हम जो इसको दोबारा चालू करेंगे, तो ये ओपीएस स्कीम पहले बंद क्यों की कांग्रेस ने जो ओपन करने की, तो हमारी गठबंधन की सरकार जब आएगी, भाई अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं पोर्टल बंद, ये जो इनका दिखावा बंद, जो हकीकत है वो हम उसका काम करेंगे। चलिए, सरोज बाला गुर हमारे साथ हैं, इंटरव्यू और भी करेंगे, इनके साथ भी देंगे, इनके चुनावी प्रचार में भी देखेंगे किस तरह लोगों के बीच में जा रही हैं, लोग क्या जो है इनसे डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल इनके बारे में आपको फिर से बता दें, शिक्षिका रही हैं, अच्छा इन्होंने अपना नाम कमाया, इनके बच्चे जो हैं आज ऊँचे स्तर पर हैं, तो शिक्षा को लेकर अच्छा काम करना चाहती हैं फील्ड में, जैसे कि बता रहे थे। आप इस इंटरव्यू को शेयर भी करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी जरूर दें। नमस्कार।